सर कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आपका ऑफिस तो बहुत अच्छा है सर। सर क्या बताएं, बहुत टाइम से गुड़गांव में काम कर रहे हैं और हमारा मेजर फोकस यही रहता है कि हम एक्सक्लूसिव कुछ खास लेके आए हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे जो सर फायदेमंद रहे। सर जैसे मैं अगर मैं बताऊं तो हमारे पास मिलती है रोड से ना दिखने वाली एसयू दुकान, पीछे की कमर्शियल की दुकान, भागे हुए बिल्डर के फ्लैट्स, मरे हुए बिल्डर के प्लॉट्स, ऐसे कुछ रेंजेस हैं जो हम ऑफर करते हैं सर अपने क्लाइंटेल को। जब भी हम न्यूज़ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस बिल्डर ने ये फ्रॉड कर दिया, उस बिल्डर ने ये फ्रॉड कर दिया। कभी भी कोई न्यूज़ आती है तो ज़्यादातर बिल्डर को ब्लेम किया जाता है और जो चीज़ें बेचते हैं उनका तो नाम ही नहीं आता, उनका कोई कहता नहीं, कुछ पता नहीं चलता। तो आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि आज रियल इस्टेट में फ्रॉड होते हैं तो होते क्यों है। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो तो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट, आपने बहुत सपोर्ट किया है। 2 महीने में 1000 सब्सक्राइबर मजाक नहीं है, थैंक यू। हमारी फ्रेटर्निटी के लोगों को या तो ब्रोकर कहलाया जाता है या तो कंसल्टेंट कहलाया जाता है। ब्रोकर मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो वो इंसान होता है जिसके पास आप जाते हैं, आपको एरिया की खुद ही समझ होती है, आप बोलते हैं कि मुझे इसी एरिया में यही कुछ चाहिए। और ब्रोकर मेक श्योर कि आप जो बायर हैं और जो सेलर हैं वो एक प्राइस पॉइंट में मैच कर जाए और डील की ट्रांजैक्शन स्मूथली हो जाए। और वही कंसल्टेंट जो कोई भी डेवलपिंग सिटी लाइक नोएडा, लाइक गुड़गांव, लाइक एनीवेयर इन इंडिया, हैदराबाद भी आजकल बहुत अच्छा कर रही है, पुणे अच्छा कर रही है, तो जहाँ पे इनफ्लो होता है दूसरी स्टेट से, दूसरी सिटी से और छोटे टीयर टू टीयर थ्री टाउन्स उस स्टेट के ही, कि आप समझ लीजिए कि आज गुड़गांव में कोई हिसार, करनाल, सोनीपत से आ रहे हैं, तो वैसे लोगों का जब इन्फ्लो होता है तो इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री में रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स पैदा होते हैं जहाँ पे कंज्यूमर एंड को ये नहीं पता होता कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ ना करें, कहाँ घर लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। और भाई जो डेवलपिंग सिटी होती है जैसे गुड़गांव है, वहाँ पे जो रह भी रहा होता है डेवलपमेंट इतने फास्ट पेस से हो रही होती है कि लोगों को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। दैट इज़ वाई दीज गाइज रिलाई ऑन रियल इस्टेट कंसल्टेंट। बट जो रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स है वो कंसल्टेंसी छोड़ के सेल्समैन बन गए हैं, वो कुछ भी बेचना चाहते हैं, वो कुछ भी करना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। उसकी वजह से हम देखते हैं कि गुड़गांव में ये सब बिल्डर जो भी नामी गिरामी नहीं है, एवरीबडी उज देयर इन द इंडस्ट्री नोज कि क्या हो रहा है बिल्डरों के साथ। बट ये रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स बिल्कुल प्योर सेल्समैन बन चुके हैं। अगर मैं करंट स्टेट ऑफ गुड़गांव रियल इस्टेट की बात करूं तो लोग कुछ बिल्डर्स को लिस्टेड प्लेयर्स बोलते हैं, बट अगर मैं ब्रॉडर टर्म में बात करूं तो गुड़गांव हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ कॉरपोरेट डेवलपर्स बिल्डर्स इन एंटायर कंट्री। कि आपको जो भी मेजॉरिटी ऑफ द माल मिलेगा गुड़गांव में वो एक लाला बिल्डर का नहीं है, ज़्यादातर वो एक कॉरपोरेट रन कंपनी का माल है, इन्वेंट्री है, प्रोजेक्ट है, यूनिट है, व्हाटसोएवर यू नेम इट, जहाँ पे उन सारे डेवलपर्स ने, वहाँ सारे बिल्डर्स ने सारे चैनल पार्टनर्स, ब्रोकर्स, कंसल्टेंट्स को एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रखा हुआ है, एक बिल्कुल बराबर स्टेट पे रखा हुआ है। किसी के पास भी कोई भी एडेड एडवांटेज, एडेड कनेक्शंस नहीं है। और वहीं हम देखते हैं कि एक डेवलपर थे जो थोड़े से एग्रेसिव थे, आजकल वो भी शांत है। उसके अलावा सारे डेवलपर्स ने सारे चैनल पार्टनर्स को एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रखा हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, तो हम ये देखते हैं कि वो जो डेवलपर्स हैं, वो बिल्डर्स हैं, उनका इतनी ब्रांड नेम है, उतनी क्रेडिबिलिटी है और गुड़गांव में इंट्रेंसिकली इतनी डिमांड है कि उनको पता है कि अगर मैं किसी को भी अनफेयर एडवांटेज भी नहीं दूंगा तो भी माई कंपनी वुड बी एबल टू रन। एंड द चैनल पार्टनर इकोनॉमी एज ऑफ नाउ इज सो बिग, सो ह्यूज, देयर आर सो नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन इट। I would cover why this is happening and how so many people are able to sustain in this market. कुछ है उसमें भी लोचा, ऐसा नहीं है कि हर बंदा चैनल पार्टनर बन के अच्छी ज़िंदगी काट रहा है, क्योंकि उसमें कुछ करते हैं, कहीं से चोरी चकारी होती है। बट इफ़ यू वुड वॉन्ट, आई वुड लव टू कवर दैट ऑन अदर वीडियो। आई बिलीव जो भी वो वीडियो देखेगा, आप कम से कम अपने कभी भी रियल इस्टेट ट्रांजेक्शन करोगे तो देयर इज़ अ 80% प्रोबेबिलिटी दैट यू वुड सेव एट लीस्ट 10-15 lakh रुपीज़ एटलीस्ट। और अगर आप NCR मार्केट में हैं तो जो सब लोगों को दिखता है, नोएडा हैज़ बिन अ मार्केट वेयर वी हैव ऑलवेज सीन दैट चैनल पार्टनर्स जो ब्रोकर्स होते हैं उनके टीम साइज बहुत बड़ी होती है, कि 100, 200, 300 लोग। और वो वहाँ पे इसलिए ही हो पाता है
क्योंकि वहाँ के आज तक जब तक ये कुछ प्लेयर्स लास्ट ईयर लास्ट 1.5 इयर्स में एक्टिव हुए हैं, उससे पहले तो मार्केट didn't had any player which was much credible, and that is why these guys needed marketing support from channel partners to create demand, and that is why these guys were able to offer some incentives for the channel partner to have a bigger team size, जो हम गुड़गांव में बिल्कुल भी नहीं देखते। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं कान खोल के, तो यही आ रहा होगा कि ये डेवलपर्स ऐसा क्यों करते हैं, सबको इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्यों रखते हैं, क्या उनका रीज़न है। तो उनका रीज़न क्लियर है कि आज किसी को भी एक अनफोर्सीन एडवांटेज दे देंगे, वो विद टाइम इतना बड़ा हो जाएगा कि वो ही उनके कान खींचने लग जाएगा। अब डेवलपर को बिल्डर को उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, और ऐसे ही बहुत सारे बिल्डर्स नोएडा में भी मरे थे, जहाँ गुड़गांव में डेवलपर्स को समझ आ गई है और यहाँ पे द इन्वेस्टमेंट साइज लिटिल हायर एज कम्पेयर टू नोएडा मार्केट, कि वैसे ही ए ग्रेड प्लेयर आता है मार्केट में और उसे पता है कि अगर मैं किसी को भी अनफेयर एडवांटेज दे दूंगा तो वहाँ पे वही बंदा मेरे सामने इतना बड़ा हो जाएगा कि मेरे को उसकी सुननी पड़ेगी और वो मेरी नहीं सुनेगा, जो कोई भी बिल्डर नहीं चाहता। इसलिए हम मार्केट में देखते हैं ये सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव डील्स। अगर कुछ भी एक्सक्लूसिव है तो मेरे हिसाब से या तो वो बिल्डर बेच नहीं सकता, या तो बिल्डर से बिक नहीं रहा, या तो उसमें कुछ लोचा है, या तो बिल्डर ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो भाग चुका है। गुड़गांव मार्केट की ये कंडीशन है एज ऑन डेट। तेजी की मार्केट है इसलिए है, पता नहीं बंदा आएगा कब आएगा कैसे आएगा तो तब क्या मार्केट की कंडीशन होगी, बट आज ऐसी नहीं है। तो वैसे ही मार्केट में कोई बड़ा चैनल पार्टनर है जिसे एक बड़ी टीम साइज अफोर्ड करनी है, जिसे एक बढ़िया ऑफिस अफोर्ड करना है, तो उन लोगों के पास उनकी फिक्स एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि उनके पास कोई रीज़न कोई चारा कुछ नहीं बचता आज की डेट में तेज़ी की मार्केट में कि वो एक्सक्लूसिव डील्स ढूंढ के लाए। एक्सक्लूसिव डील्स उन्हें ढूंढ के लानी पड़ती है जहाँ पे उनका प्रॉफिट मार्जिन उस हिसाब से हो दैट दे आर एबल टू सस्टेन द फिक्स एक्सपेंसेस विच दीज गाइज़ आर इनकरिंग ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस, विच एज ऑन डेट could be at least ranging from 1 to 2 CR depending upon, and that is not, I am even including the marketing expense which could be incurred by all these brokerage firms. And the current state is like that, where anything which is worth buying, there's very little brokerage one could make as a broker in Gurgaon, and there's so much higher demand on the fear that aapko bahut mushkil hai ek badi team size, ek bada office, ye sab chalana, aur agar aap chala rahe hain तो शायद से अगर आप कुछ गलत ही कर रहे हैं कि आप चला पा रहे हैं। मेरा ये सिंपल चीज़ है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे चैनल पार्टनर्स हैं मार्केट में, जब आप लेने जाते हैं तो हमें एक अच्छी ऑनेस्ट एडवाइस नहीं मिलता, हमें आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलती, हमारी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स होती हैं एक ब्रोकर के साथ एट द टाइम ऑफ द बुकिंग, वो भी फुलफिल नहीं होती। और इसलिए ही जो भी बिल्डर आज की डेट में कुछ भी गलत बेच पा रहा है वो इसी रीज़न की वजह से बेच पा रहा है, वेयर देर आर ब्रोकर्स हु हैव लॉट ऑफ हाई फिक्स्ड एक्सपेंसेस, और जहाँ पे वो मोटिवेट भी अपने नए टीम मेंबर्स को इसी रीज़न से करते हैं कि दिस इंडस्ट्री हैज़ अ लॉट ऑफ मनी एंड वन शुड प्रोबेबली बाय अ कार बाय अ हाउस नेक्स्ट वन ईयर और टू ईयर्स। और वही हम भूल जाते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर एंड है वो अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई लगा रहा है, ज़िंदगी भर मतलब कोई भी बंदा कितना भी अमीर हो उसकी वो मेहनत की कमाई है और उसको कुछ टाइम तो लगा ही है उसे कमाने के लिए, तो वो भूल के हम अपने कच्चे लालच में गलत चीज़ें बेच देते हैं, जिसकी वजह से आज बहुत सारे हैं कि बिल्डर को PSO की ज़रूरत नहीं है बट ब्रोकर्स को है, और कुछ लोग मार्केट में नहीं आना चाहते, कुछ लोग अपनी कंपनी का नाम बदल देते हैं, तो कुछ आपको फ़ोन करते हैं और अगर आप फॉलो करते हैं मार्केट को तो आप उनकी कंपनी का नाम सुन के ही डर जाते हैं, जी आपसे हम बात नहीं करेंगे। थैंक यू।